Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Study with Chaudhary Darshit. So today my topic is antonyms from English grammar class 4 to 12th and for all competitive exams. So in the previous video we will discuss about synonyms and homophones, and now we will discuss about antonyms. So let's start the presentation. In antonyms we will study about what is an antonyms, antonyms definition, what is the purpose of antonyms, types of antonyms and examples. So what is an antonyms? Antonyms in Hindi we can say vilom shabd. Jo vilom shabd hote hain hamare, unko English mein kya bola jata hai? Antonyms bola jata hai. So an antonym is a word, ek word hai, ek shabd hai that means the opposite of another word. Matlab उसके विपरीत, विपरीतार्थक शब्द या विलोम शब्द जो बोलते हैं हिंदी में. तो एंटोनिम्स क्या है? वो वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग जो है ऑपोजिट होता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड आपस में क्या है? एंटोनिम्स हैं. ऐसे ही गुड एंड बैड आपस में क्या है? एंटोनिम्स हैं. एंटोनिम्स कैन बी ऑल टाइप ऑफ वर्ड्स. एंटोनिम्स जो हैं वो हर एक टाइप के वर्ड्स हो सकते हैं, वो वर्ब्स हो सकते हैं, नाउन्स भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं, एडवर्ब्स भी हो सकते हैं एंड इवन प्रेपोजिशंस भी हो सकते हैं. तो एंटोनिम्स जो हैं वो हर एक वर्ड हो सकता है. और एंटोनिम जो है उसका मतलब क्या होता है कि भाई उस शब्द का, उस वर्ड का उल्टा, उसका ऑपोजिट. उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो डेफिनेशन है एंटोनिम्स की वो क्या होती है. तो जो एंटोनिम है वो कहाँ से आया है? कम फ्रॉम अ वर्ड. और वो वर्ड क्या है? एंटोनिमी, विच इज़ द टेक्निकल ग्रामर टर्म, जो कि एक टेक्निकल ग्रामर टर्म है फॉर वर्ड्स दैट हैव कॉन्ट्राडिक्ट्री मीनिंग्स. उन वर्ड्स के लिए, उन शब्द के लिए जिनके कॉन्ट्राडिक्ट्री मीनिंग्स हो सकते हैं. बट हम जो हैं एक सिंपल टर्म में क्या लेके चलेंगे? एंटोनिम्स एज ऑपोजिट्स, की जो ऑपोजिट्स होते हैं वो एंटोनिम्स होते हैं. ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है उन बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंग्लिश ऑनर्स में या फिर सिंपल ग्रेजुएशन कर रहे हैं इंग्लिश में. बाकी जो है उनके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि एंटोनिम्स होते क्या हैं. बस हमें मतलब पता होना चाहिए कि एंटोनिम्स होते क्या हैं, फिर तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि भाई एंटोनिम्स जो हैं वो ऑपोजिट होते हैं, सिनोनिम्स जो हैं वो सेम होते हैं, होमोफोन्स जो हैं वो होते हैं कि जिनका सेम साउंड होता है लेकिन डिफरेंट मीनिंग होते हैं. ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि जो एंटोनिम्स हैं उनका पर्पस क्या है. तो एंटोनिम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन राइटिंग. तो ये हमने अपना पहले भी डिस्कस किया था कि भाई ये चीज़ें जो हैं वो क्यों ज़रूरत पड़ी इनकी, भाई एक ही शब्द से क्यों नहीं काम चला. तो उसका ये पर्पस था कि जो एंटोनिम जो हैं वो क्या करते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं राइटिंग में बाय मेकिंग वर्ड्स मोर इफेक्टिव. वर्ड्स जो हैं ज़्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं उससे. कैसे? कि हमें जो है एक साथ जो है हमें ये पता चलता है कि भाई ये बैड है, ये इसका ऑपोजिट गुड है. तो हमें बैड का भी पता चलता है, गुड का भी पता चलता है. साथ के साथ हमें ये भी पता चलता है कि बैड का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, गुड का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं. तो एक तरीके से हमारी राइटिंग को, जैसे कि कोई नॉवल लिख रहे हैं या फिर कोई डेलीगेट से बात कर रहे हैं, फ़ौरन लेवल पर बात कर रहे हैं, किसी मीटिंग में बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है हमारी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, हमारी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं. ठीक है, तो ये जो है राइटिंग बाय मेकिंग योर वर्ड्स मोर इफेक्टिव, वर्ड्स को इफेक्टिव बनाते हैं. उसके बाद प्लेसिंग ऑपोजिट्स टुगेदर, अगर जब हम एक साथ ऑपोजिट इकट्ठा कर रहे हैं भाई एक जगह, तो उसका जो वर्ड है वो और उसके साथ हम ऑपोजिट लिख रहे हैं, तो वो क्या करता है? हाईलाइट करता है देयर डिफरेंसेस, कि भाई इनके बीच में ये डिफरेंस है एंड मेक्स द इंडिविजुअल वर्ड स्ट्रोंगर, और उस पर्टिकुलर वर्ड को वो स्ट्रोंगर बनाता है. स्पेसिफिकली यू कैन यूज़ द पावर ऑफ ऑपोजिट्स इन थ्री वे. और यहाँ पर जो है जो पर्पस है एंटोनिम्स का कि भाई वो ऑपोजिट बता रहा है, तो वो तीन तरीके से जो है बताता है. एक तो जो है हम उन दो वर्ड्स के बीच में, जैसे गुड और बैड है, गुड और बैड है तो ये आपस में एंटोनिम्स हो गए. तो एक तो जो है ये इसका कंपैरिजन बता रहा है कि भाई गुड का क्या मतलब होता है, बैड का क्या मतलब होता है, इन दोनों का क्या कंपैरिजन है. साथ के साथ डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि भाई अगर हम जो है गुड को इस सेंटेंस में लगाएंगे तो वो कैसे कैसे उस सेंटेंस को डिस्क्राइब कर सकता है, उस पैरा को डिस्क्राइब कर सकता है, बैड जो है वो कैसे उस पैराग्राफ को डिस्क्राइब कर सकता है. और एंटीथीसिस, जो थीसिस राइटिंग होती है, जो राइटिंग स्किल्स होती हैं उनमें कैसे कैसे जो है
एंटोनिम्स जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये हमारा पर्पस हो गया कि एक तो जो हमारी वोकैबुलरी को एक इम्प्रूवमेंट मिल रही है, हमारे वर्ड्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव हो रहे हैं, हमारी जो स्पीकिंग स्किल है वो इम्प्रूव हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटोनिम्स की, भाई एंटोनिम्स जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो एंटोनिम्स जो हैं वो तीन टाइप के होते हैं, फर्स्ट वन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, सेकेंड वन इज़ ग्रेडेबल, थर्ड इज़ रिलेशनल। तो अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स जो हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स को जो है हम बाइनरी एंटोनिम्स भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट्री एंटोनिम्स भी बोलते हैं। तो ये इसके दो नाम हो गए कॉम्प्लीमेंट्री के, एक तो बाइनरी और दूसरा कॉन्ट्राडिक्ट्री, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स आर वर्ड पेयर्स, वो वर्ड पेयर्स होते हैं वेयर द पॉजिटिव यूज़ ऑफ वन मीन्स द नेगेटिव यूज़ ऑफ अदर, कि भाई एक का मतलब अगर पॉजिटिव है तो दूसरे का मतलब जो है वो उसका नेगेटिव होगा, तो वो आपस में दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो कौन से हुए, कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स हुए, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स जो हैं वो वर्ड पेयर होते हैं वेयर द पॉजिटिव यूज़ ऑफ वन मीन्स द नेगेटिव यूज़ ऑफ अदर, कि भाई अगर एक वर्ड का मतलब पॉजिटिव है तो हम ये कह सकते हैं कि जो उसका ऑपोजिट होगा उसका नेगेटिव मीन होगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं दे हैव एन ईदर और रिलेशनशिप, कि भाई इनके बीच में जो है एक ईदर और रिलेशनशिप हो सकता है, और समथिंग कैन बी ईदर वन और अदर बट नेवर बोथ एट द सेम टाइम, या फिर इधर हो सकता है रिलेशनशिप हो सकता है या फिर दोनों नहीं हो सकते सेम टाइम पे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ऑन ऑफ, रियल फेक, अलाइव डेड, तो ये क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, भाई एक का अगर पॉजिटिव मीनिंग है तो दूसरे का क्या हुआ, नेगेटिव हुआ। रियल फेक, तो एक का अगर पॉजिटिव मीनिंग है तो दूसरे का क्या हुआ, फेक हुआ। तो ये हो गए हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स। दूसरा जो है हमारा ग्रेडेबल एंटोनिम्स, तो ग्रेडेबल एंटोनिम्स का दूसरा नाम क्या है, पोलर एंटोनिम्स। जो हमारा ग्रेडेबल एंटोनिम्स है उसका दूसरा नाम क्या हुआ, पोलर एंटोनिम्स, आल्सो नोन एज पोलर एंटोनिम्स। ग्रेडेबल एंटोनिम्स आर ऑपोजिट अमाउंट ऑफ द सेम क्वालिटी, तो ये जो है दोनों वर्ड्स जो पेयर हुए वो ऑपोजिट हुए लेकिन सेम क्वालिटी के। फॉर एग्जाम्पल, फार एंड नियर आर ग्रेडेबल एंटोनिम्स बिकॉज दे आर ऑपोजिट अमाउंट ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि उनके बीच में जो डिस्टेंस है ऑपोजिट अमाउंट का वो क्या है, सेम है। तो ग्रेडेबल एंटोनिम्स वो एंटोनिम्स हुए जिनमें सेम क्वालिटी हो वर्ड्स में, ऑपोजिट्स में सेम क्वालिटी हो, जैसे कि फार और नियर। दूसरा एग्जाम्पल क्या हुआ, न्यू ओल्ड, हॉट कोल्ड, लॉन्ग शॉर्ट, तो सेम क्वालिटी हो उनकी तो वो एंटोनिम्स क्या कहलाए जाते हैं, ग्रेडेबल एंटोनिम्स। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल एंटोनिम्स। रिलेशनल एंटोनिम्स को जो है कन्वर्स एंटोनिम्स भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज कन्वर्स एंटोनिम्स। रिलेशनल एंटोनिम्स जो हैं प्ले ऑपोजिट रोल इन म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये क्या करते हैं, ऑपोजिट रोल प्ले करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप में, यानी कि अगर हम बाय कर रहे हैं तो सेल, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, टीचर एंड स्टूडेंट्स आर रिलेशनल एंटोनिम्स, भाई टीचर जो है और स्टूडेंट उन दोनों के बीच में एक रिलेशन है, एक तो वो क्या हुए, रिलेशनल एंटोनिम्स हुए। नाइदर कैन एग्जिस्ट विदाउट द अदर, कि अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर इनकम्प्लीट है विदाउट स्टूडेंट, और अगर हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट इनकम्प्लीट है विदाउट टीचर्स। तो ये क्या हुए, आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हुआ। तो वो एंटोनिम्स जो ऑपोजिट रोल में म्यूचुअल रिलेशनशिप फॉलो करें वो हमारे कौन से कहलाए जाते हैं, रिलेशनल एंटोनिम्स कहलाए जाते हैं, जो एक दूसरे के बिना एग्जिस्ट ना करें। नाइदर कैन एग्जिस्ट विदाउट द अदर एंड येट देयर रोल्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, लेकिन उनके रोल्स जो हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बाय एंड सेल, तो जब तक हम कुछ खरीदेंगे नहीं उसको हम बेच नहीं सकते, और लेकिन ये कम्प्लीटली डिफरेंट, उनके रोल कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि एक तरफ हम जो है उसी पैसे को दे के कोई चीज़ खरीद रहे हैं और दूसरी तरफ उस चीज़ को बेच के हम पैसा ले रहे हैं। तो ये क्या हुए, रिलेशनल एंटोनिम्स हुए, लेकिन इनके जो रोल हैं वो क्या हुए, कम्प्लीटली डिफरेंट हो गए। सेकंड एग्जांपल है लेफ्ट राइट, थर्ड एग्जांपल है पेरेंट चाइल्ड, ठीक है। तो ये हमारे थ्री टाइप के एंटोनिम्स हो गए। उसके बाद अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एंटोनिम्स के, जो जनरली आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो क्या हो गया, आर्टिफिशियल, नेचुरल, अराइव, डिपार्ट, आर्ग्यू, अग्री,
ऑल नन एमेच्योर प्रोफेशनल अलाइव डेड एडवांस एलिमेंट्री एडल्ट चाइल्ड एंसेस्टर डिसेंडेंट एंजल डेविल बॉय गर्ल बिल्ट डिस्ट्रॉय बाय सेल बोरो लैंड बॉडी साउल सॉल सॉरी ब्लंट शार्प बिटर स्वीट बॉटम टॉप। तो ये हमारे जो क्या हो गए कुछ एंटोनिम्स के एग्जाम्पल हो गए। आगे भी कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। ये कुछ एग्जाम्पल जो है हमने शेयर किए आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।